नमस्कार, कृपया ध्यान दीजिए, ये वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपका मनोरंजन है। मैं किसी प्रकार से ये नहीं कह रहा कि भूत एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। आप भूतों में बिलीव करते हैं, आपकी मर्जी, नहीं करते हैं आपकी मर्जी, भाई तुम्हारी जिंदगी है, जो मर्जी करो। यह सिर्फ एक स्टोरी है जो मैंने सुनी, तो मैं आपको सुना रहा हूँ। धन्यवाद। क्या आप लोग भूतों में विश्वास करते हैं? नहीं। अच्छी बात है, मैं भी नहीं करता। आज का स्टोरी टाइम थोड़ा सा अलग होने वाला है। अरे ऐसे कैसे बोल रहे, ढंग से बोलना। माफ करना, इधर उधर निकल जाता हूँ। तो वन जॉनर ऑफ मूवीज दैट आई पर्सनली लव इज हॉरर, एंड मैंने इतनी हॉरर मूवीज देख ली है कि अभी मुझे ना लिटरली हॉरर मूवीज से डर लगना बंद हो चुका है। लास्ट स्केरी मूवी जिससे मेरे को एक्चुअली देख के डर लगा था ना, वो थी अगर क्यों। बड़ी डरावनी मूवी थी यार। उसमें सीएम पंक है, एंड इतना फनी है, मतलब स्केरी मूवी में हंसी आ रही थी मुझे। एंड तभी ना मम्मी रूम में आती है, एंड मम्मी कहती है कि क्या कर रहा है। मैंने बताया मम्मी हॉरर मूवी देख रहा हूँ। तो मम्मी कहती है कि तू ना मेरे बचपन वाली वो हॉस्टल की स्टोरी क्यों नहीं सुनाता अपनी अगली वीडियो में। एंड आई वाज लाइक ये भी ठीक है। तो ये स्टोरी जो है आज से 35-40 ईयर्स, 35 से 40 साल पुरानी है, जब मेरी मम्मी 12 से 13 साल की हुआ करती थी। एंड वो यूनाइटेड क्रिश्चियन गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है सूरनसी जलंधर में, पंजाब में। वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करती थी, तो वहीं पे वो हॉस्टल में ही रहती थी। बहुत हॉन्टेड था वो, एक्चुअली वो ना कब्रिस्तान पे बना हुआ था। तो जब हम मतलब मैं वहाँ गई, तो पहले तो मेरे को कुछ ऐसे रियलाइज ही नहीं हुआ कि कुछ है इसमें। तो जब एक दो स्टोरी सुनी, मतलब मैं अभी बात कर रही हूँ तो मेरे को ऐसे गूज़बम्स आ रहे हैं। अभी तक उस चीज़ का इफेक्ट है मेरे पे। मैं अकेले नहीं रह सकती घर पे अभी भी, इतने साल हो गए मेरे को। सो उस वक्त ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का तो बहुत ज़्यादा इशू हुआ करता था। कभी भी लाइट चली आती थी, कभी भी लाइट आ जाती थी, और इन्वर्टर्स तो थे नहीं। तो ऐसे ही एक दिन हॉस्टल में लाइट गई हुई थी, हर हॉरर मूवी की तरह यहाँ पर भी लाइट गई हुई थी। एंड मम्मी की एक बैचमेट हुआ करती थी जिनका नाम था, हम इस वीडियो के लिए उनको बुलाएंगे, छल्ली। अबे साले। एंड उनकी एक बड़ी बहन हुआ करती थी जिनका नाम था टोपी। तो बैचमेट छल्ली एंड बड़ी बहन टोपी, ये दोनों हॉस्टल में साथ में ही रहती थी। अब रात का टाइम था और लाइट गई हुई थी। टोपी को, बड़ी बहन को, बहुत तेज प्रेशर आया, तो उसने छोटी बहन छल्ली को बोला कि सुन सुन सुन, नींद से उठा के मैं जा रही हूँ, मेरे को बहुत तेज प्रेशर आ रहा है, तू प्लीज डब्बे में पानी भर के मेरे को दे देगी वॉश करने के लिए। एंड ये बोल के टोपी जो है वो भाग के चली गई। अब छोटी बहन छल्ली ने नींद नींद में ये बात सुनी होगी, बट यार वो तो सो रही थी तो उसने इतना ज्यादा ध्यान दिया नहीं। 10 मिनट बीत गए। अब बड़ी बहन टोपी जो वॉशरूम में है, उसको वॉश करने के लिए ऑब्वियसली पानी चाहिए, तो उसने बाथरूम का दरवाजा खोल के ऐसे बाहर हाथ डाल के चेक करा कि वहां पे डब्बा पड़ा है कि नहीं। एंड वहां पे डब्बा पड़ा था, तो उसने डब्बा उठाया एंड वॉश करना स्टार्ट कर दिया। एट द सेम टाइम छोटी बहन छल्ली, जो अभी तक सोई रही थी अपने बेड पे, उसको रियलाइज हुआ कि ओ, बड़ी बहन टोपी ने तो पानी मांगा था वॉश करने के लिए, तो मैं उसको पानी देने जाती हूँ। तो छोटी बहन छल्ली उठी, पानी भरा उसने एक डब्बे में और लेके वॉशरूम के बाहर पहुंची। एंड उसने नॉक करके बड़ी बहन को बोला कि ये ले, मैं पानी ले आई। तो अंदर बैठी टोपी कहती है, एक सेकेंड, पानी का डब्बा तो तू पहले ही दे चुकी थी, मैंने तो वॉश भी कर लिया। पर छल्ली कहती है, मैं तो उठ के ही अभी आई हूँ एंड पानी का डब्बा तो मेरे हाथ में है, तो तूने वॉश किससे करा। टोपी बाहर आई घबरा के, एंड इतनी देर में लाइट वापस आ गई। एंड वो क्या देखती है, उसके हाथ पे खून ही खून। उस डब्बे में पानी नहीं था, खून था। एंड ये देख के टोपी इतनी तेज चिल्लाई, एंड व्हाट माय मॉम टोल्ड इज कि वो उसके बाद पागल हो गई एंड उसको उस हॉस्टल से शिफ्ट आउट कर दिया गया। हमें ऐसा होता था कि जब एक बार हम लेट गए ना बेड पे और लाइट्स ऑफ हो गई, तो एकदम सुनसान हो जाता था। ऐसा होता था कि सांस सांस की आवाज़ आती होती थी। मैं सुना भी रही हूँ तो अभी भी मेरे को ऐसे गूज बम्स, मतलब अभी भी इतना डर है मेरे दिमाग में ना, कि मतलब हम वॉशरूम भी नहीं जा पाते थे। वॉशरूम भी जाना है ना, तो मतलब जैसे हम लेटे हुए हैं ना, बेड के साथ बेड होता है, मैं सुना नहीं पा रही हूँ। चद्दर में से हम आवाज़ लगाते थे साथ वाले को कि वॉशरूम चल ले मेरे साथ, ऐसे होता था। इतना डर, हमेशा ऐसे लगता था कि कोई आसपास हमारे घूम रहा है। मतलब आंखें बंद कर ली तो बंद, फिर वो सुबह ही खुलेंगी जब दिन चढ़ेगा। अब ये तो एक स्टोरी है आउट ऑफ द मेनी जो मेरी मम्मी ने मेरे को बताई है। सो रात के डिनर का टाइम था एंड सारी लड़कियां मेस में खाना खाने के लिए इकट्ठा हुई हुई थी।
एंड एज यूजुअल लाइट चली गई। ये साला सारी की सारी भूतिया पंती लाइट जाने के बाद ही की होती है, कुछ समझाओ मेरे को। ये राज भी उसी के साथ चला गया। तो उस वक्त इन्वर्टर्स वगैरह तो होते नहीं थे, कैंडल्स वगैरह से काम चलाना पड़ता था। देख लो आज की पीढ़ी के युवा नागरिकों, एक जमाने में लोग मोमबत्ती पे जीवन व्यतीत किया करते थे, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे, हल चलाते थे, देश की तरक्की के लिए बहुत। तो ड्यूटी होती थी हेड गर्ल की कि वो कैंडल्स वगैरह लेके आएगी एंड कैंडल्स जलाएगी। तो हेड गर्ल जिसको हम इस वीडियो के लिए बुलाएंगे, एक तो ये नाम रखने वाला पार्ट सबसे मुश्किल है, बोतल, अबे साले नहीं, पानी, पानी। तो हेड गर्ल पानी, बहुत ही जाबाज, एकदम निडर वो और उनकी एक फ्रेंड उठी एंड यूटिलिटी रूम में कैंडल्स लेने के लिए गई। जैसे ही उन्होंने यूटिलिटी रूम का दरवाजा खोला, उनके सामने जमीन से लेके छत तक एक वाइट इमेज खड़ी हुई। मुझे लिटरली नरेट करते हुए भी कि वो इंसिडेंट कैसा होगा, ऐसे गूस बम्स आ रहे हैं। एंड हेडगर्ल पानी की फ्रेंड तो वहीं से भाग गई, लेकिन हेडगर्ल पानी काफ़ी ब्रेव थी। वो ऐसा उस वाइट इमेज को देखते देखते कॉर्नर कॉर्नर से ड्रॉअर के पास गई, कैंडल्स निकाल के भाग के निकली वहाँ से एंड चिल्लाते हुए मेस में आई एंड वहीं पर आके फेंट हो गई। हम एक रूम में 8 गर्ल्स होती थी, हमारे 8 बेड लगे होते थे, 4 इधर 4 इधर। और हमारा बेड ना, मतलब मेरे को जगह मिली बिल्कुल विंडो के साथ, तो मैंने कहा मैं तो विंडो के पास बिल्कुल नहीं लेट सकती। मैंने अपना मतलब बेड एक्सचेंज करा और सेंटर में आ गई, और जो विंडो के साथ वाली थी ना, उसको वो बता रही थी कि उसको ऐसे रियलाइज होता था कि अंदर मतलब विंडो में कोई हाथ डाल के मेरे को खींच रहा है। इतना मतलब जैसे वो होती है ना आजकल जो मूवीज दिखाते हैं, बिल्कुल वही वाली स्टोरी। एंड वो हॉस्टल जो था मम्मी का, वो कब्रिस्तान पे बना हुआ था, दैट वाज अ प्रूवन फैक्ट। ये कोई मेड अप थिंग नहीं है, कोई मैं अपनी तरफ से या फिर मम्मी अपनी तरफ से नहीं बता रही, वो वहां पे लिखा हुआ था कि ये कब्रिस्तान हुआ करता था। जैसे हम अपना बस से उतरे और अंदर घुसते थे ना, तो वहाँ पे एक ऐसे छोटी सी वो पत्थर लगा हुआ था, उसके ऊपर क्रॉस का साइन था और उस पर लिखा हुआ था कि ये पता नहीं क्या नाम था, अब तो बहुत साल हो गए, भूल गई मैं कि किसकी कब्र है ये। तो वो था कब्रिस्तान पे। लेकिन इतने सब के बाद जो एक चीज़ मुझे अजीब लगती है कि अगर वहाँ पे इतना ज़्यादा भूतियापंती होती थी एंड मम्मी को ऐसा कुछ फील होता था कि वहाँ पे हर वक्त कोई है, तो उसके बावजूद भी वहाँ पे वो क्यों रहती थी? डैडी ने एक बार जो बोल दिया तो बोल दिया, बस वहाँ पे एडमिशन मिल गई, तो अब हम मतलब 12th करके ही निकलेंगे वहाँ से। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे मेरे को वो स्कॉलरशिप मिलने लग गई, तो फीस कोई होती नहीं थी, 10 रुपये लगते थे मेरे फीस के एक महीने के, सिर्फ 10 रुपये। तो इसलिए फिर वहाँ पे ही रहे। तो पापा मम्मी की स्टोरीज के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या तो रहा हूँ कि तेरी, तभी तो तेरी मम्मी पे भूतों का असर अभी भी है। तो ये थी हॉन्टेड हॉस्टल वाली स्टोरी टाइम वीडियो। एंड में मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूँ, इन नो वे आई एम सेइंग कि भूत एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, सबके अपने खुद के बिलीव्स होते हैं। मुझे लगता है पर्सनली कि भूत एग्जिस्ट नहीं करते हैं, किसी को लगता होगा कि करते हैं, वो उनकी खुद की थिंकिंग है, एवरीबडी हैज द राइट टू देयर ओन थिंकिंग। आप वीडियो को लाइक करिए एंड एक बहुत ही ओपी वियर्डेस्ट एप्स वाली वीडियो कमिंग इन 3 डेज, तुमसे ना हो पाएगा, हम मिलेंगे तब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।